अगर एक बार प्यार में शक आ जाए तो वो किस हद तक पहुंच सकता है, इसकी नजीर देखने को मिली नोएडा में, जहां शक और खुद के अहम के चलते एक पढ़े लिखे युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और आज वो सलाखों के पीछे है। 23 मार्च को लास्ट बात हुई थी, उसके बाद हम लोगों की 13-1.5 महीने बात नहीं हुई। 13 तारीख को बात हुई, बस वो कह रही थी मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते जाओ। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये लड़का भी लवली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था बीबीए का, और लड़की बीटेक की स्टूडेंट थी। 2012 सितंबर में इनकी फ्रेंडशिप हुई, इसके अनुसार हमारी फ्रेंडशिप दिसंबर में बहुत प्रगाढ़ हो गई और तब से इनकी फ्रेंडशिप चल रही थी लगातार। ये लड़का बीबीए फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, परिणामतः दोनों फिर एक साथ 2016 में पास आउट हुए, क्योंकि उसका कोर्स 4 साल का था, इसका 3 साल का था। उसके बाद लड़की की लावा कंपनी में नौकरी लग गई और ये एक गारमेंट स्टोर पे शोरूम पर नौकरी करने लगा। इसका बंद हो गया जनवरी में, ये चला गया अपने गांव इटावा। लड़की अब इससे कंटिन्यू नहीं रखना चाहती थी। लगभग जनवरी से इनकी कई बार इसमें वार्ता हुई, अप्रैल में भी एक दो बार आया, टेलीफोन से बात हुई और 30 तारीख को लड़की ने इसे बुलाया था कि आ जाओ। इनकी बड़ी लंबी वार्ता उसी अपार्टमेंट में नीचे खड़े होकर के हुई और फाइनली लड़की ने कहा कि ठीक है, मुझे रात भर और सोच ले। सवेरे जो हम जानते थे 6:30 बजे इसने फोन किया है। वस्तु स्थिति यह है कि 6:05 पे लड़की ने पहले इसको फोन किया था, ये आया 6:30 पे इसने एंट्री की, उसे फोन किया कि मैं आ गया हूँ, और 6:34 पे जैसा CCTV की फुटेज से है कि घटना कारित हो गई, लड़की ने इसे फाइनली मना कर दिया। वस्तुतः ये मन बनाकर आया था कि उससे उस लड़के के बारे में पूछेगा जिसके साथ वो नई जिंदगी शुरू करना चाहता। कल इसने स्वयं रात में पूछताछ में स्वीकार किया कि अगर वो बताया तो हो सकता है मैं उसे रास्ते से हटाने का प्रयास करूं। लेकिन लड़की ने जब इसे फाइनली मना कर दिया और उसका नाम बताने से भी मना कर दिया, तो इसने जो पिस्टल रखी थी वो पिस्टल निकाली। पिस्टल देखते ही लड़की डर के भागी और उस पिलर के पास, इसके हिसाब से वो अपना सर छुपा के ऐसे बैठी और इसने बोली था। धुंधली सी स्क्रीन में देख रहे थे कि लगता है किसी को इसने फोन किया है, तो उसी पिस्टल से ये स्वयं भी सुसाइड करना चाहता था जैसा इसने बताया, लेकिन पिस्टल में कारतूस फंस गया चलाने। उसके बाद ये बाहर निकला, एक मित्र इसकी इसकी मदद किया था इस घटना में, इसके साथ आया, उसको इसने बताया कि हमने दूसरी को ही मार दिया, तो उसने कहा यहाँ से मार। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए नोएडा से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।